दोस्तों, ये देखें कि आपकी पीएससी पीटी की परीक्षा हो चुकी है, बीपीएससी मेंस की होने वाली है। तो हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि प्रत्येक सप्ताह में मेंस के दृष्टिकोण से जो भी डिबेटेबल इश्यूज होंगे, जिनसे कि क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम अपने डिस्कशन में लेंगे और उस पर हम आपको एक कंप्लीट डिस्कशन देंगे कि क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से, किस पार्ट से समझा जाए और कैसे लिखा जाए। फिलहाल आपने ये सुना होगा, आज इसकी पहली सीरीज का पहला खंड आपको मिलने जा रहा है कि भारत सरकार ने कृषि से सुधार से संबंधित तीन बिल इस सत्र में पारित किए और वो बिल अब अधिनियम बन चुके हैं। उसमें पहला जो बिल था वो कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। दूसरा था मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध अधिनियम, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ द प्राइस एश्योरेंस इन द फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। और तीसरा था आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये तीनों बिल क्या हैं, इस बिल के प्रोविजंस क्या हैं, ये अलग चर्चा का विषय है और इससे भी प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम उन प्रश्नों पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन आप इनको भी तैयार करें कि इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं, इन बिल से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। बस संक्षेप में हम इनका कंटेंट आपको बता दे रहे हैं कि जो पहला बिल है, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा अधिनियम, इसके जरिए सरकार ने ये कोशिश की है कि कृषक भारत में कहीं भी जहां चाहे विदाउट एनी बाउंड्री ऑफ एपीएमसीज मार्केट वो अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है। पहला कि कृषि उपज कहीं भी बेचने का अधिकार इसके जरिए दिया गया है, कृषि उपज कहीं भी बेचना ये एपीएमसी एक्ट के तहत संभव नहीं था। आपको अपने रजिस्टर्ड एपीएमसी मंडी में ही जाके अपना उपज बेचना होता था, अब वो चीज हटा दी गई है और कृषक कहीं भी अपना उपज बेच सकता है। दूसरा है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण अनुबंध अधिनियम। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के हमारे पास कोई लीगल फ्रेमवर्क अभी बहुत ज्यादा नहीं था। इसको एपीएमसी मार्केट के तहत ही रेगुलेट किया जाता था। अब कृषक जो अनुबंध करेंगे कंपनियों के साथ, उन अनुबंधों में कृषकों का सशक्तिकरण और कृषकों का संरक्षण सरकार की मंशा है कि उसमें, चूंकि कृषक कमजोर पक्ष होता है और एमएनसी जो होती हैं या बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो मजबूत पक्ष होती हैं, जो कृषक को हरदम प्रभावित करने की स्थिति में होती हैं, तो उनको वो प्रभावित ना कर पाए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को रेगुलेट करने के लिए चीजें सामने आए, उसके लिए दूसरा कानून आया जिसे कि फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ द प्राइस एश्योरेंस। ये सशक्तिकरण और संरक्षण किस पे होना है, पहली चीज होनी है प्राइस पर, कि प्राइस तय हो और तय हो उतना मिले, और दूसरा कि जितनी फार्म सर्विसेज दी जा रही हैं उन फार्म सर्विसेज पर भी एश्योरेंस हो और उस पर भी एम्पावरमेंट हो उसके लिए। तो ये दूसरा जो हमारा विधेयक है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। इसेंशियल कमोडिटीज के तहत देश भर में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी सप्लाई को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने इस एक्ट को लागू किया था, और उस एक्ट में जो चीजें इसेंशियल कमोडिटी घोषित कर दी जाती हैं उनके स्टॉक पर एक लिमिट लगा दी जाती है कि कोई भी व्यापारी उस लिमिट से ज्यादा स्टॉक नहीं कर पाएगा, उसका सरकार द्वारा निरीक्षण होता है, स्टॉक से ज्यादा पाए जाने पर आप पर कार्रवाई होती है। अब उस आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में कुछ चीजें जो आती थी, जैसे खाद्य तेल है, तिलहन है, दाल है, प्याज है, आलू है, इन सब चीजों पर से इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को हटा दिया गया है और ये कहा गया है कि युद्ध या आपदा जैसी कोई विशेष स्थिति होने पर ही किसी चीज को इसेंशियल कमोडिटी घोषित किया जाएगा।
ये एक संक्षिप्त विवरण था इसका। आप इसको विस्तृत भी तैयार करें या मुझे भी अगर समय मैं निकाल पाया तो मैं अलग से इस पर एक वीडियो आपको दूंगा। प्रश्न यहां पर जो विवेच्य है हमारे लिए वो ये है कि इस कृषि कानूनों ने कुछ संवैधानिक प्रश्न खड़े किए हैं। वो संवैधानिक प्रश्न इसलिए खड़े हुए हैं कि कृषि को आमतौर पर राज्य सूची का विषय माना जाता है और केंद्र द्वारा इस पर विधायन हो रहा है। इसको लेकर के आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि कई राज्यों ने इस पर विरोध भी किया है, कई राज्यों ने ये कहा है कि हम नहीं मानेंगे, कई राज्य इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो एक असंतोष है, विशेष करके जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उन राज्यों में असंतोष है। अब उससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन में, ये सेक्शन ऐसा है जो आपके इंडियन पॉलिटी वाले में भी आएगा और इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी, दोनों जगह ये अप्लाई हो सकता है, दोनों जगह आ सकता है। जब आप इसका विस्तार करेंगे तो ये इंडियन इकोनॉमी वाला सेक्शन होगा और आज जो हम बात कर रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन की करने जा रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है या क्या ये जो कानून बनाए गए हैं वो कहीं से राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। तो जो प्रश्न उपजे हैं वो तीन अलग अलग, पहला है अनुच्छेद 131 आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि चर्चा में। ये सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन देता है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का अर्थ ये होता है कि कुछ ऐसे केसेज होंगे जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल किए जा सकते हैं, नीचे के किसी कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं होगी। वो केसेस कौन होंगे? तो यदि केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद है या दो से अधिक राज्यों के मध्य आपस में कोई विवाद है तो इन दो परिस्थितियों में केंद्र या राज्यों का समूह इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो अनुच्छेद 131 के तहत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत अपना मुकदमा लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास जाए और सुप्रीम कोर्ट से उस पर अपना आदेश, अपनी डिग्री देने के लिए कहे। चूंकि जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वो ऐसा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें से कई राज्यों ने ये कोशिश की है कि आर्टिकल 131 के तहत हम केस लेके जाएं, केंद्र सरकार को खींचा जाए कोर्ट में। ऐसी स्थिति में क्या होगा इसके संवैधानिकता पर, यानी जो कृषि कानून बनाए गए हैं, चूंकि अब ये बन चुके हैं, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो चुका है तो ये ऑलरेडी अधिनियमित हो गए हैं। तो अधिनियमित हो गए हैं, उसके बाद आमतौर पे ये होता है कि अगर कोई कानून अधिनियमित हो गया और उसकी संवैधानिकता पे कोई प्रश्न उठाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट उस प्रश्न पे विचार करता है लेकिन उस पर स्टे नहीं लगाता। भारत के राष्ट्रपति के सिग्नेचर से वह कानून देश में लागू है। भारत का राष्ट्रपति भी संविधान का संरक्षक है और सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान का संरक्षक है। ये ज्वाइंट गार्डियन हमारे तय किए गए हैं संविधान के संरक्षण के लिए। तो ऐसे में एक गार्डियन दूसरे गार्डियन का विरोध नहीं करता है। तो अगर राज्य इसके तहत जाते भी हैं सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन पर स्टे लगा देगा और उसके बाद विचार करेगा, कानून लागू रहेगा। अब उस पर विचार, और विचार तो कभी नहीं, कितने देर, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जाने से राज्यों को तत्काल कोई राहत मिलने जा रही है ना? कोर्ट स्टे नहीं लगाएगा, हम ये मान के चलेंगे, क्योंकि आमतौर पे जो फ्रेमवर्क है उसमें एक गार्जियन दूसरे गार्जियन के द्वारा किए गए कामों पे प्रश्नचिन्ह नहीं उठाता। वो होगा तो वो राष्ट्रपति के काम पर नहीं होगा, संसद के संविधान प्रदत्त शक्तियों का उपयोग सही से हुआ कि नहीं इस पर विचार होगा, उसके लिए संविधान पीठ बन सकती है। दूसरा जो और तीसरा मुद्दा है वो थोड़ा गंभीर है। दूसरा मुद्दा है राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को लेकर के। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को 213 राज्यपालों को यह आदेश देता है कि वो अध्यादेश जारी करें। यह चर्चा में क्यों आया?
चर्चा में इसलिए आया कि जो कृषि कानून आपको ये तीनों दिख रहे हैं ये पहले अध्यादेश के रूप में लागू किए गए और अर्थात ये ऑलरेडी इनेक्टेड हैं अध्यादेश के तौर पर, और तब जो समय सीमा होती है कि 6 महीने के भीतर आपका अध्यादेश संसद से भी अप्रूव होना चाहिए, उसके तहत इसको संसद में लाया गया, संसद से अप्रूव कराया गया है। तो ये कानून ऑलरेडी इनेक्टेड है। तो इस प्रश्न पर भी विचार हमें करना होगा कि जो अध्यादेश जारी किया गया राष्ट्रपति द्वारा, क्या यह उन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया गया जो संविधान में उल्लेखित है, या संविधान की भावना के प्रतिकूल जाकर के ये अध्यादेश जारी किए गए, इनकी संवैधानिकता पर हमें विचार करनी है। तीसरा, अनुच्छेद 254(2) के तहत राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं कि वो अपना एक अलग इन कानूनों का संशोधन लेके आए, जैसा वो चाहती हैं, जो भी वो चाहती हैं वो संशोधन लेकर आए, और वो संशोधन 254(2) के तहत लाया जा सकता है। केंद्र द्वारा यानी कि भारतीय संसद द्वारा पारित कानून के विरुद्ध राज्य सरकारों को भी कानून बनाने का अधिकार है। अब ये अधिकार कितना है और क्या राज्य सरकारें कानून बनाएंगी तो वो कानून लागू होगा, इससे रिलेटेड प्रश्नों हम चर्चा करेंगे। तो ये दो मेनली चर्चा के संवैधानिक प्रश्न में ये दो प्रश्न मुख्यतः हैं। एक प्रश्न ये अनुच्छेद 131, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में इससे रिलेटेड प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, लेकिन ये जो दोनों है अध्यादेश का दुरुपयोग ये पहले से भी चर्चा में रहा है और पुनः चर्चा में हो रहा है, और ये चीज भी पहले से चर्चा में रही है जब यूपीए की गवर्नमेंट थी और यूपीए की गवर्नमेंट भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आई थी, तो उस वक्त वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उस वक्त अरुण जेटली ने अपने अपने राज्यों से जो कि भाजपा शासित राज्य थे उनसे ये कहा था कि आप आर्टिकल 254(2) के तहत इनके अगेंस्ट कानून लेकर आए। तो लेके कोई आया नहीं, लेकिन चर्चा में ये इससे पहले यूपीए में भी आया था और फिर एनडीए में भी आया है, तो इन दोनों को हम अलग अलग देखेंगे। चलिए, इसमें जो पहला हमने मुद्दा उठाया था अनुच्छेद 123, ये मुद्दा मोदी सरकार के आने के बाद से कई बार चर्चा में आया है और इससे पहले भी कई बार चर्चा। पहले तो हम इसका मूल कंटेंट समझें कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को जारी करने की शक्ति किन परिस्थितियों में संविधान देता है। तो इसमें एक बेसिक चीज समझनी है कि जो सत्ता का पृथक्करण का सिद्धांत है मॉन्टेस्क्यू का, वो ये कहता है कि सत्ता के जो तीनों स्तंभ हैं उन तीनों स्तंभों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे में अलग अलग रहना चाहिए। न्यायपालिका इंटरफेयर न करे विधायिका में, विधायिका इंटरफेयर न करे न्यायपालिका में, और विधायिका कार्यपालिका में भी इंटरफेयर न करे। तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का अलगाव तो लगभग हो जाता है, लेकिन विधायिका से कार्यपालिका का जो अलगाव होना चाहिए वो कम से कम डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ कंट्री में, और उसमें भी जहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वहाँ थोड़ा कठिन होता है, वो विभाजन आपस में घुलता मिलता है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, भारत से बाहर भी जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर हमारा पार्लियामेंट से ही गवर्नमेंट बन रही है, तो चीज़ें आपस में मिलती हैं, यानी उनमें ओवरलैपिंग होती है अधिकारों की। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरलैपिंग है, समझिए। आमतौर पे कानून बनाने के लिए हमने अलग से एक बॉडी बनाई है जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, और उसी वही लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी, वो लेजिस्लेटिव है, उसे ही कानून बनाना है। लेकिन हमने राष्ट्रपति को भी कानून बनाने का अधिकार दिया आर्टिकल 123 के जरिए, उसमें दो कंडीशंस लगाई हमने। पहली चीज कि राष्ट्रपति वह अध्यादेश तब जारी करेगा जब संसद के दोनों सत्र सदन में 9 हो। संसद के दोनों सत्र सदन में नहीं है, चूंकि सदन में नहीं है तो तत्काल कानून नहीं बन सकता तो जारी किया जा सकता है अध्यादेश। लेकिन ये इतना अकेला नहीं है, उसके साथ अगली चीज उसमें कही गई है कि राष्ट्रपति की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है।
अर्थात देश के समक्ष कोई ऐसा संकट आता है जिस संकट के लिए सदन को बुलाना, उसके सत्र को आहूत करना, उसमें विधेयकों को 3 बार रखना, उनके 3 वाचन कराना, ये लंबे प्रोसेस में जाने का समय नहीं होता। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां जरूर देश में आ जाती हैं, सदन सत्र में नहीं है, सत्र में है तो भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन सत्र में है तो आपको आना पड़ेगा, संसद के थ्रू ही आना पड़ेगा। संसद को बुलाएंगे, फिर उस पर वो आप काम करेंगे, लंबा प्रोसेस हो जाता है और हो सकता है कि उस वक्त तक बात बिगड़ जाए। तो ऐसा कोई मुद्दा, ऐसा कोई इश्यू आ जाता है राष्ट्रपति के सामने जिसमें उसे लगता है कि उसे तत्काल कार्रवाई करनी है और उसके लिए जो वर्तमान कानून है वो पर्याप्त साबित नहीं हो रहे। अगर ऐसा उसे लगता है तो वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन जो अध्यादेश ये जारी करने की शक्ति है उसमें हमें ये चीज दो चीजें समझ लेनी होंगी कि पहली चीज कि ये प्रत्यायोजित विधायन है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब ये शब्द थोड़ा कठिन है, इसको समझ लें। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का अर्थ ये होता है कि पावर ऑफ लेजिस्लेशन जो हमारे पास है वो पार्लियामेंट के पास है, यही बनाएगी। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियों में पार्लियामेंट अपने लॉ मेकिंग का जो अधिकार है वो किसी भी अन्य संस्था को ट्रांसफर कर देती है कि भाई हमने एक फ्रेमवर्क बना दिया है, तुम इस पर अपना रूल्स बना लो। तो ये जो अधिकार है यानी कि अस्थायी तौर पे या कुछ निर्धारित क्षेत्रों में निर्धारित ज्यूरिडिक्शन के तहत लॉ मेकिंग बॉडी द्वारा किसी दूसरी बॉडी को अपने अधिकारों का स्थानांतरण कर दिया जाना कहलाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। चूंकि लॉ मेकिंग बॉडी हमारी लेजिस्लेटिव है, हमारा लोकसभा राज्यसभा हमारे दोनों सदन हैं और इन सदनों की जो पावर है कानून बनाने का पावर इनका है, ये पावर राष्ट्रपति ने हमने इन्वेस्ट किया हुआ है और ये संवैधानिक रूप से इन्वेस्टेड है, यानी कि इसके लिए हम ये वैधानिक पावर नहीं है, ये संवैधानिक पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया हुआ है कि अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो वो भी कानून बना सकता है, जबकि राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड है और लेजिस्लेचर का अंग है। लेजिस्लेचर का वो हैंड हेड नहीं है, लेजिस्लेचर का अंग है लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। ये क्या है? ये लेजिस्लेचर के अंग है राष्ट्रपति और एग्जीक्यूटिव के हेड है राष्ट्रपति, और एग्जीक्यूटिव के हाथ में लॉ बनाने का काम चला जाना ही वह गड़बड़ होती है जो तानाशाही को जन्म देती है। राजा के पास कानून बनाने की शक्ति हो और कानून को पालन करवाने वाला भी वही हो तो वो राजा नहीं होता, फिर भगवान हो जाता है। कानून बनाएगा वही, कानून पालन करवाएगा वही, एक ही बॉडी करवा रही है। तो ये अधिकार तो सिर्फ भगवान के पास होता है, वो बनाता है वो मिटाता है, और अगर किसी व्यक्ति के पास ये दोनों अधिकार चले गए तो वो भी बनाने मिटाने की क्षमता रखने वाला हो जाता है। अर्थात राष्ट्रपति ने जो ये पावर इन्वेस्ट की गई है ये पावर एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है जो एग्जीक्यूटिव हेड को दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ। दो शर्तें आपने ऊपर देखी हैं, हम अगर फुल फ्रेज में एग्जीक्यूटिव को कह देते हैं कि तुम कानून बनाओ तो लेजिस्लेचर बनाया किस लिए? तो हमने विश्रांति काल के लिए लेजिस्लेचर की पावर को राष्ट्रपति में इन्वेस्ट किया और राष्ट्रपति में इन्वेस्ट करके कहा कि भाई आप बना सकते हो, पहले तो ये दोनों शर्त पूरा कर लो। अगली चीज कि तुम बना लोगे तो वो कानून बन जाएगा, उसका प्रभाव वही रहेगा जो कानून संसद द्वारा पारित कानून का होता है, लेकिन 6 महीने तक ही। 6 महीने के बाद यदि तुम वो कानून चाहते हो कि भारत में लागू रहे तो फिर आओ संसद में पेश करो, संसद में बहस करो, मतदान कराओ, और संसद यदि अप्रूव कर देती है तो फिर वो लागू रहेगा, डिसअप्रूव करती है तो जाओ। अर्थात हमने कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में
जबकि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है राष्ट्र के समक्ष गंभीर संकट की स्थिति कि उसमें सदन का सत्र चल नहीं रहा होता, बुलाना व्यवहारिक नहीं होता और वर्तमान कानून जो होते हैं वो पर्याप्त नहीं होते उस समस्या से निपटने के लिए, तब हमने राष्ट्रपति को कहा कि भाई तुम उस वक्त बना लो। और फिर 6 महीने के भीतर जब संसद बैठती है, क्योंकि संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि 6 महीने से ज्यादा की नहीं हो सकती, इसलिए अध्यादेश की भी अवधि 6 महीने से ज्यादा की नहीं हो सकती। 6 महीने के भीतर यानी कि अगला साल 6 महीने के भीतर का अर्थ ये नहीं कि मान लीजिए कि आपने अभी जस्ट पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से 2 दिन पहले आपने अध्यादेश लागू किया और कहेंगे कि अभी तो 6 महीना है, इस वाले में नहीं लेके आएंगे, अगले सेशन में लेके आइए, सदन से अनुमोदित कराइए और अनुमोदित हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेजिस्लेचर। अर्थात ये एक आपातकालीन व्यवस्था है जो शांति काल में सामान्य काल में लागू नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन लेकिन हुआ ये कि आपके संविधान में अनुच्छेद कितने, 395, और 1950 से 2014 तक 637 अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी कर दिए। तो हम ये मान के चलेंगे कि क्या 637 बार ऐसी स्थितियां आईं जिसमें कि तत्काल कार्रवाई जरूरी थी। समझिए, आपके संविधान के अनुच्छेदों से ज्यादा आप अध्यादेश लेकर आ गए, यानी कि 637 बार देश पर संकट आया और आपने बनाया, अर्थात दुरुपयोग हुआ है। ये सिर्फ पार्लियामेंट का आंकड़ा है, विधानसभाओं में क्या हुआ और राज्य की सरकारों ने कितने अध्यादेश जारी किए उसका मेरे पास आंकड़ा नहीं है। अगर उसको भी इकट्ठा करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लें कि हमारे ज्यूडिशियरी का क्या दृष्टिकोण है। तो 2 केसेस आए, एक बीसी बाघवा वर्सेस बिहार राज्य, दूसरा है कृष्ण कुमार वर्सेस बिहार राज्य। और आप देख रहे हैं ये भी एक मतलब हम बिहारियों के लिए गौरव का ही क्षण है कि दोनों में हम ही आ रहे हैं। दरअसल हमारी आदत है जुगाड़ वाली, तो हम लोग जुगाड़ लगाते रहते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा इनके वर्डिक्ट से। बीसी बाधवा वर्सेस बिहार राज्य 1987 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एक ही विषय पर एक से अधिक बार अध्यादेश जारी करने हेतु विधानसभा का सत्र समाप्त करना संविधान के साथ धोखाधड़ी है। अर्थात सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, अब उसके बाद से एक अध्यादेश जारी किया, एक अध्यादेश जारी करने के बाद आपको भाई सदन में आना पड़ेगा। सदन में आए, सदन को 1 दिन के लिए चलाया, उसके बाद 6 महीने वाला आपका जो झंझट है वो खत्म हो गया, फिर आपने बंद कर दिया और फिर सदन आपका ऑफ हो गया, तो फिर आपने अध्यादेश जारी कर दिया। ये हम कर रहे होंगे तो डीसी बाधवा में ये मामला सामने आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक ही विषय पर एक से अधिक बार अध्यादेश जारी करने के लिए यदि विधानसभा का सत्र समाप्त किया जाता तो ये संविधान के साथ धोखाधड़ी है। तो इसमें एक चीज और निहित है कि एक ही विषय पर एक से अधिक बार अध्यादेश जारी करना भी संविधान के साथ धोखाधड़ी, और ये ऐसा भी कई बार इंडियन पॉलिटी में हुआ है कि अध्यादेश की टाइम खत्म, उसके बाद से आपने पुनः दोबारा अध्यादेश, अगला अध्यादेश फिर अगले 6 महीने के लिए, यह भी नहीं हो सकता। अगला है कृष्ण कुमार वर्सेस बिहार राज्य। कृष्ण कुमार वर्सेस बिहार राज्य मामले में भी जो बाधवा वाला डिसीजन था उसको कोर्ट ने दोहराया और साथ में एक चीज और कहा कि अध्यादेश बनाने की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधि बनाने की शक्ति के समानांतर नहीं है। यानी राज्यपाल या राष्ट्रपति ये समझने की भूल ना करें कि वो लॉ मेकिंग बॉडी है, वो लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, उनको ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है जो आपातकालीन परिस्थितियों के लिए दी गई है, वो कानून बनाने वाले कानून निर्माता नहीं है, ये चीज समझ रखनी चाहिए। लेकिन
दुरुपयोग देखें तो 1950 से लेकर के 2014 तक 637 अध्यादेश जारी किए गए, ये रिपोर्ट है लोकसभा सचिवालय की 2015 की। 2015 की लोकसभा सचिवालय की रिपोर्ट कहती है कि 1950 से यानी कि संविधान लागू होने से 2014 तक यानी कि एनडीए की गवर्नमेंट की शुरुआत तक कुल 637 अध्यादेश जारी किए गए। उसमें भी हाल में चूंकि अध्यादेशों की जारी करने पे जो प्रश्न उठाने वाले लोग हैं उनको भी अपना चेहरा देखना चाहिए और जो अध्यादेश जारी कर रहे हैं उनको भी अपना चेहरा देखना चाहिए। दुरुपयोग दोनों तरफ से हुआ है। 2004 से 2009 यानी कि यूपीए फर्स्ट, इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान 36 अध्यादेश जारी किए यानी कि औसतन हर साल 7.2 अध्यादेश ये लोग जारी कर रहे थे। 2009 से 2014 तक का कालक्रम है, इसमें इन्होंने 25 अध्यादेश जारी किए, औसतन 5 बार साल भर में। ये यूपीए का परफॉर्मेंस है, दोनों यूपीए 1 यूपीए 2 का, यानी आज की तारीख में यूपीए अगर क्वेश्चन उठाती है इस अध्यादेश के दुरुपयोग की तो वह भी उतनी ही भागीदार है। साल भर में सोचिए 12 महीने होते हैं और आप 25 और 36 अध्यादेश जारी कर रहे हैं तो प्रति महीने के हिसाब से 2 और 3 अध्यादेश आप जारी कर रहे हो तो फिर बच क्या जाता है आपके सदन के लिए। अध्यादेश जारी करने का प्रभाव होता है कि वो कानून आ जाता है एक्शन में, एक्शन में आ जाता है तो जनता को भी आदत पड़ जाती है और जो और अन्य लोग हैं वो भी थोड़ा अभ्यस्त हो जाते हैं। जो एक्शन में आ गया तो चीजों को करना आसान हो जाता है, समझिए इस चीज को। यही खास बात है कि जब कानून एक्शन में आ गया तो फिर उसको एप्लीकेशन में ले आना आसान हो जाता है। तो आप साल भर में 2 और 3 की दर से, मतलब प्रति महीने 2 और 3 की दर से आप अध्यादेश जारी कर रहे थे। अब जो ये प्रोसेस है पहले से चल रहा था 2014 से 2019, ये एनडीए फर्स्ट का कालक्रम है। इसको ये जो सरकार आई इसने इसको जस्ट डबल कर दिया। अब जस्ट डबल कर दिया अर्थात आप पहले प्रतिवर्ष 5 दे रहे थे, हर 2 महीने में एक बार दे रहे थे, कहा कि महीने महीने देंगे तो आप वार्षिक तौर पे 10 अध्यादेश जारी कर रहे हो और इस तरह से 5 साल में आप 50 अध्यादेश जारी करोगे, औसत है आपका यानी 5 साल में 50, तो आप इससे काफी आगे निकल गए, इन वाले से काफी आगे निकल गए। तो आप भी ये नहीं कह सकते कि हम दूध के दूल्हे हैं। अर्थात समझने की बात क्या है कि सरकारों के भीतर ये प्रवृत्ति है कि पहले अध्यादेशों के जरिए, ये प्रवृत्ति बनती जा रही है इंडियन पॉलिटी में कि अध्यादेशों के जरिए पहले कानून को लागू करवा दो फिर उसके बाद संसद को मैनेज करो, अपनी विधानसभाओं को मैनेज करो और उस संसद उसको उससे पारित करवा दो। अध्यादेशों के जरिए ये लोग आ क्यों रहे हैं, इसके पीछे हमारा दलीय लोकतंत्र का मैथमेटिक्स है। या तो आप ऐसा विधेयक लेके आ रहे होते हैं जिस पर आपको लगता है कि गड़बड़ है, शायद पारित नहीं हो पाएगा, यानी विधेयक के पारित होने पर आप आश्वस्त नहीं होते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले ऑर्डिनेंस दे करके आप लागू कर देते हैं फिर सदन के पास ले आते हैं। दूसरी चीज कि आपको राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो आप पहले लेके चले आए, पहले लागू करा दिया, उसके बाद से ले आके रखा और आपने देखा कि राज्यसभा में क्या हुआ। इन कृषि कानूनों के संदर्भ में लोकतंत्र की मर्यादाओं को जिस प्रकार से हमारे प्रभुओं ने तार तार किया वो आपके सामने है। और उसमें ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष ने नहीं किया और विपक्ष ने किया, दोनों ने, विपक्ष ने फाड़े, बिल फाड़े, उनके सदन अध्यक्ष के हाथ से चीजें छीनी, ये अमर्यादित था, तो सत्ता पक्ष ने एक ही दिन में बहस करा के पारित करा दिया, यह भी संसदीय नहीं है। अगर विपक्ष मांग कर रहा है कि किसी भी विधेयक को आप प्रवर समिति को भेजिए तो यह मांग लोकतांत्रिक है, आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, आप उसको भेजिए, इतनी भी जल्दी क्या है, अरे 6 महीने बाद भी पारित होगा तो क्या हो जाएगा। मूल चीज क्या है, तत्काल कार्यवाही,
अब सोचिए कि ये जो तीन कानून कृषि के संदर्भ में लागू किए गए, सरकार ने माना कि इनमें तत्काल कार्रवाई करनी जरूरी है। कौन सा आसमान फटा जा रहा था? कृषकों पर तो वैसे ही फटा पड़ता है आसमान, और कृषक वैसे आत्महत्या कर लेते हैं, आपका तो कुछ होने दे। तो ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी कि जिस कानून को आप संसद में ले आते, बहस कराते, उसकी जगह आप लेकर आए अध्यादेश के जरिए? यानी कहीं ना कहीं आपके मन में भी खोट थी, तभी आप अध्यादेश के जरिए इन कानूनों को लेके आते और फिर सदन में लेके आते हैं। इसका ये अर्थ है कि आप विधेयक के पारित होने के संदर्भ में आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि तत्काल कार्रवाई जैसी चीज इस तीनों में से, जो तीनों विधेयक हैं आपने देखे हैं, तत्काल कार्रवाई जैसी कोई चीज तो नहीं थी। ये बात जरूर थी कि ये पहला जो था आपका कि संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है, तो ये तो नहीं ही, अरे तीन ही बार चलना है, बीच में तो आएगा ही मौका, डाल दो। तत्काल कार्रवाई जैसी कोई चीज कम से कम कृषि के संदर्भ में तो नहीं थी, जिसके बिना कुछ बिगड़ रहा हो इतना कि भाई 6 महीने रुक नहीं सकते हो। 6 महीने के आपके यहाँ संसद जो है वो 4 महीने पे बैठती है, तो 4 महीने आप वेट नहीं कर सकते, इतनी जरूरी तो नहीं था। अर्थात इसमें हम सरकारों को सलाह देनी होगी या उनको समझना होगा, जैसा कि पीएन भगवती ने कहा था कि यह लोकतांत्रिक मानकों के विरुद्ध है कि कार्यपालिका को विधि बनाने की शक्ति दी जाए। ये लोकतांत्रिक मानकों के विरुद्ध है कि कार्यपालिका को विधि बनाने की शक्ति दी जाए, लेकिन किसी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए ये शक्ति दी गई है। यानी सिर्फ आकस्मिक, अतः अध्यादेश पर समय और परिस्थिति का नियंत्रण होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पीएन भगवती कह रहे हैं, यही हमें अपने निष्कर्ष के रूप में लिखना है कि अध्यादेश पर समय और परिस्थिति का नियंत्रण होना चाहिए। यानी कि आप कुछ ऐसा संशोधन लेके आए जिसमें आपको ये बताना पड़े कि तत्काल कार्यवाही जरूरी थी। आप कह देंगे सदन सत्र में नहीं है इसलिए अध्यादेश लेकर आई, ये नहीं। जो पीएन भगवती कहते हैं कि अध्यादेश पर समय और परिस्थिति का नियंत्रण, तो ये नियंत्रण कैसे होगा जब आप ऐसा कोई संशोधन लेकर आए जिसमें बताया जाए राष्ट्रपति की शक्ति पर एक अंकुश जरूरी है कि तत्काल कार्यवाही को आप सदन में आके परिभाषित करें, तब जाकर के अध्यादेशों को जारी करने के दुरुपयोग की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। अब इसमें हमने एक जो ये इशू डिस्कस किया, इसके बाद दूसरा जो इशू है वो अनुच्छेद 254 से रिलेटेड है। समय की सीमा काफी आगे बढ़ गई है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और जस्ट इसके बाद हम दूसरा वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं जिसमें 254 पर अलग से डिस्कशन आपको दिया जाएगा।